अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। नाइस। आई हैव टू स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस टुडे। यू हैव टू नोट एज यूजुअल, यू हैव टू नोट दीज एग्जांपल्स। आई थिंक यू कैन राइट वर्बली, मैं यहाँ बोलूँगा तो आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट इजीली। इफ यू हैव टू फील डिफिकल्ट इन स्पेलिंग सो यू कैन आस्क मी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Examples. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं शुएब? आप ठीक हैं? हाय सर। ओके, वी हैव टू स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टुडे। ओके सर, लेट यू स्टार्ट नाउ। मैं आपको बोलूंगा, आप लिखते जाएं, कुछ स्पेलिंग के इशू मुझसे पूछ लेना आप। यस सर। चलिए शुरू करें एग्जांपल्स। इन द नेम ऑफ अल्लाह। बोले सर। ही विल बी गोइंग टू ऑफिस। वो दफ्तर जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू ऑफिस। लिख लिया सर। नेक्स्ट, शी विल बी रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रही होगी। शी विल बी रीडिंग अ बुक। फुल स्टॉप। इट विल बी रेनिंग टुमारो। कल बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो। टुमारो का स्पेलिंग TOMORROW। लोग अक्सर डबल एम लिख रहे हैं बाहर, ये सिंगल एम होता है। TOMORROW या TOMARROW, दोनों टुमारो जो हैं ये दोनों ठीक हैं। दोनों का मतलब कोई भी स्पेलिंग आप लिख लें, गलत कोई भी नहीं होगा दोनों में से। लिख लिया आपने? इट विल बी रेनिंग टुमारो। यस सर। आगे है, यू विल बी प्लेइंग द मैच। तुम मैच खेल रहे होगे या आप मैच खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग द मैच। लिख लिया सर। नेक्स्ट, एक मिनट सर। नेक्स्ट लिखें, आई शैल बी टेकिंग द डिनर। मैं रात का खाना ले रहा हूंगा। आई शैल बी टेकिंग द डिनर। लिख लिया सर। नेक्स्ट, वी शैल बी ट्रेवलिंग टू कराची। वी शैल बी ट्रेवलिंग टू कराची। ट्रेवलिंग में सिंगल एल, डबल एल नहीं आता है। TRAVELING। लोग डबल एल लिख रहे हैं, ये सिंगल एल इसमें आता होता है। वी शैल बी ट्रेवलिंग टू कराची। फुल स्टॉप। फिर आगे लिखें कि ही विल बी
he will be studying in the library. He will be studying. वो लाइब्रेरी में मुतालिया कर रहा होगा. He will be studying. Studying is spelling studying. 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 He will be studying in the library. 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 He will be studying in the library. लिख लिया सर. Okay. Full stop. आगे she will be doing job. She will be doing job in the office. दफ्तर में काम कर रही होगी. She will be doing job in the office. Full stop. आगे है they will be drinking water. वो पानी पी रहे होंगे. They will be drinking water. वो पानी पी रहे होंगे. फिर नेक्स्ट है यू विल बी वॉचिंग द टीवी. तुम टीवी देख रहे होगे, आप टीवी देख रहे होंगे. यू विल बी वॉचिंग द टीवी. लिख लिया सर जी. आगे चलें. आई शैल बी I shall be speaking the truth. मैं सच बोल रहा हूँगा. I shall be speaking the truth. मैं सच बोल रहा हूँगा. We shall be winning the match. हम मैच जीत रहे होंगे. We shall be winning. W I double N I N G. Winning में है. W I double N I N G. जी सयाल कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ सर. ठीक है साहब. ओके ओके. हाँ ये क्लास मैच एग्जांपल कराइए, शुरू करवा दिए हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की. ये आपको भेज देगा ना, आपको सेंड कर देगा ना, आपको शुएब या जवाब है ना, जवाब व्हाट्सएप कर दें या ग्रुप में ना, जब होमवर्क करेंगे तो वो भेज देंगे इसको. ठीक है सर. अच्छा ये आगे चलें. कहाँ कौन सा प्रोनाउन हो गया अभी किया मैंने? जी We shall be winning the match. हम मैच जीत रहे होंगे. आगे है फिर. He will be taking tea. वो चाय ले रहा होगा. He will be taking tea. बल्कि देखें फोर्थ फॉर्म लग रही है सब में, बल्कि फोर्थ फॉर्म लग रही है. Yes, sir. He will be taking tea. वो चाय ले रहा होगा. आगे है She will be. She will be ये लिखेंगे. She will be taking the medicine. वो दवाई ले रही होगी, वो दवा ले रही होगी. She will be taking the medicine. She will be taking the medicine. फिर आगे है. They will be joking in the college. वो कॉलेज में मजाक कर रहे होंगे. They will be joking. J-O-K-I-N-G. In the college. College spelling है C-O-L-L-E-G-E. C-O-L-L-E-G-E. They will be joking the college. Joking in the college. In the college. In आपका जो है preposition है, the आपका article है. College जो है ये आपका जो है noun भी है, आपका object भी है. जी चलें आगे. यस सर. आगे है आई शैल बी. आई शैल बी कमिंग. आई शैल बी कमिंग फ्रॉम मुल्तान. मैं मुल्तान से आ रहा हूंगा. आई शैल बी कमिंग फ्रॉम मुल्तान. कमिंग फ्रॉम मुल्तान. लिख लिया सर. आगे है वी शैल बी. We shall be taking the rest. हम आराम कर रहे होंगे. We shall be taking the rest. कितने हो गए? How many examples? 17 सर. 17. 15 हैं.
ठीक है, ये हम कोई 20 कर लेंगे ना इसकी। आगे चलें, नेक्स्ट, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ये लिखें, she will be doing homework, वो घर का काम कर रही होगी, she will be doing homework। फिर नेक्स्ट है, they will be talking on the topic, वो मौजू पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, they will be talking on topic, topic, मौजू, they will be talking on topic, ओके, आगे है, हो गया सर, you will be losing the match, तुम मैच हार रहे होगे, losing है losing, you will be losing the match, तुम मैच हार रहे होगे, you will be losing the match, आगे है, I shall be opening the fast, मैं रोजा खोल रहा हूंगा, फास्ट होता है रोजा, ये तो तेज होता है ना, एक रोजा होता है, रोजा खोलना जो होता है, I shall be opening the fast का स्पेल बताओ सर जी, फास्ट का स्पेल क्या है, स्पेलिंग सर, फास्ट के स्पेल FAST, फास्ट, आगे है, we shall be ये आप करें कि टॉकिंग ऑन सेलफोन, हम सेलफोन पर बात कर रहे होंगे, वी शैल बी टॉकिंग ऑन सेलफोन, सेलफोन लिखते हैं इकट्ठा लिखते होते हैं, इसमें आपने जो है जगह नहीं छोड़नी, इकट्ठा सेलफोन इकट्ठा लिखते हैं, सेलफोन CELPHONE, सेलफोन फुल स्टॉप, हो गई जी, कितनी 20 होगी, कितनी हुई है, हाउ मेनी, 23 ज्यादा होगी, अच्छा चलो ठीक है, इतनी बहुत है आपके लिए, अब आपने करना क्या है कि आप देखिए ये काम सारे जो है मुस्तकबिल में सोचों में जारी कर दिए, काम मुस्तकबिल में सारे काम जो है सोचों में जारी हो गए हैं, वो वक्त अभी आया नहीं है, यस सर, सोचों में हमने काम को जारी कर दिया है आने वाले वक्त में, अब आने वाले वक्त के बारे में हमने सोचों में काम जारी कर दिया, अभी सारे काम जो है, अब इसमें एक चीज का ख्याल करना है आपने, वो ये कि शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किधर है, ये आपने ख्याल करना है, शैल बी का इस्तेमाल आई और वी के साथ है यहां पर, और बाकी साथ सबके साथ प्रोनाउन का विल बी है, अब यहां पे वो मामला नहीं है इरादे की पुख्तगी या इरादे की कमजोरी, वो मामला यहां नहीं है, वो सिर्फ फ्यूचर डेफिनेट टेंस में मसला था, यहां पर वो मसला नहीं है, यहां पर लगना ही शैल बी है, आई और वी के साथ लगना ही शैल बी है, he, she, or they, you प्रोनाउन के साथ लगना ही विल बी है, ओके, इसका ख्याल करना है आपने इन चीजों का, मतलब बना लें आप इसकी 50 बनाए, 60, 70, 80 जो भी बनाए, ईट की देखी बनेगी जान चीज के लिए, बाकी आप प्रोनाउन चेंज करते रहेंगे, एग्जाम्पल बना बढ़ा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस को जितनी कोई बी करेंगे मुझे भेज दीजिएगा होमवर्क करके, ओके, बाकी सियाल को भेज दीजिएगा जो काम जो थोड़ा क्लास लेट आया ही, तो इसको आप भेज दीजिएगा वो, ओके सर, तो अब इसमें इसका मैंने आपको फॉर्मल भी लिखा, टेंस का लिखा दिया था मैंने आपको, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप लिख लिए थे ना, yes, sir. अब लिखवाया जी, अब उसका तरीका कार्य मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, वो ये है, विल बी शैल बी का मतलब होगा, इसमें कल को लिखवाया डेफिनेशन में आपको मैंने कल, अब तरीका कार्य yes. इसका मेथडोलॉजी ये है कि आपका ये माशाल्लाह देखना, आपका ये टेंस जो है ये आपका माशाल्लाह ये दसवां आपका जो है टेंस, 10 टेंसेज आपके आज, अब उसका तरीकाकार ये कि आप उसको इसमें परफेक्ट होना चाहते हैं, इसमें पक्का होना चाहते हैं आप, तो हर टेंस को दूसरे टेंस में चेंज किया करें,
इसकी हैबिट बना लें आप. आपने चेंज किया, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से हम बात शुरू करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक. मैं किताब पढ़ता हूँ, आप उर्दू में पहले कर लिया करें, फिर इंग्लिश में किया करें, फिर स्टार्ट टेंस आपको अच्छे आ जाएंगे, अपने एक्सपर्ट हो जाएंगे आप. मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक. मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड अ बुक. मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. मैंने किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक. मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड अ बुक. मैं सुबह से जो है किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. मैं किताब पढ़ूंगा, इरादा कच्चा है तो आई शैल रीड अ बुक, इरादा पक्का है तो आई विल रीड अ बुक. मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई शैल बी रीडिंग अ बुक. समझे मेरी बात? Yes, sir. प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है. अगर टेंसिंग में एक्सपर्ट होना है तो ये तरीका इख्तियार कर लो. उर्दू में पहले करके इंग्लिश में कर लिया करो. आप उसमें खुद समझ आ जाएगी कि उर्दू में जो आपको हेल्पिंग वर्ब है वो आखिर में आ रहा है तो आप उससे टेंस पकड़ लेंगे. हेल्पिंग वर्ब रटा लगा लो. यस सर. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. फिर ये नहीं कह जैसा मैंने शुरू से कहा गया, शुरू से शुरू करें, आपको पता अगला टेंस यही होगा, अगला वो होगा, इससे अगला क्या है, अगला ये पता ही आपको. लेकिन आप इसके सेंटेंस शुरू कर सकते हैं. आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करें, उसको चेंज करें आप पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज करें आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को चेंज करें आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करें आप इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इस तरह भी कर सकते हैं आप. इस तरह करेंगे ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एक्सपर्ट होंगे आप. ठीक है ना? पहले आप शुरू से करें, प्रेजेंट डेफिनिट से लेकर आए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक, एग्जांपल बनाएं, चेंज करते रहें उनको, फिर आप इसके अंदर से मुख्य चेंज करें. समझ आइए? इस तरह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें. ओके ओके. अगर टेंसेस सीख गए तो ग्रामर भी आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए. ग्रामर पक्की आपकी हो गई तो लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं है आपके लिए. टेंसेस आगे अप्लाई, आगे भी टेंसेस चलेंगे, लैंग्वेज में टेंसेस ही आपको चलने, आगे भी टॉकिंग में टेंसेस चलेंगे सारे. तो ये है सारा मामला. कोई बात समझ नहीं आई है मुझसे पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है तो. नो सर, कोई प्रॉब्लम कोई इशू तो नहीं है किसी का. प्रॉब्लम समझ आ रही सारी बात? यस सर. चलें अच्छी बात है. अब राम शुरू करते हैं. वो कैबिनेट हमारी कल कितनी हुई थी, पूरी होगी थी कि वो रह गए थे वर्ड्स? 20 वर्ड्स हमने 15 कर लिए थे कल ना? यस सर. 15 हमने कल लिए थे ना कल? तो ठीक है, आज हम वो कभी थोड़ी ज्यादा कर ले, थोड़ा पीछे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे आज हम. ठीक है ना? तो ये है कि 20 वर्ड्स कर लेते हैं आज वोकैबुलरी के हम. ठीक है, फिर हम और कुछ रिवीजन भी थोड़ी सी चीजें भी देख लेंगे. हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई चीज़ें मामला बढ़ते जा रहे हैं हमारे ना, चीज़ें फ्रेश अप हुई हैं सारे मामला पिछले वाले भी. ये बात अच्छा, जब आए वो कभी तरफ आ जाए. शाबाश कैम वो कब लेनी ना. आपके वो नेम ऑफ फ्रूट्स हो गए थे आपके? नहीं हुए थे अभी फ्रूट्स? नेम हुए थे नहीं फ्रूट? अभी वेजिटेबल हूँ. क्या कह रहे हैं? अभी सर वेजिटेबल हूँ, सब्जी के नाम है, फ्रूट की नहीं हुई. 27 हो सर, फ्रूट कौन, फ्रूट का नहीं, वेजिटेबल का नहीं हुआ. 27 होगी वेजिटेबल्स आपकी, नेम द वेजिटेबल्स. 27 हो गए आपके, कितने रह गई हैं? ट्वेंटी टू है, वही है. यस सर. अभी 5 रहती हैं अभी आपकी ना? यस सर. इसमें मुझे बताएं, मैं अब नाम लेता हूं, जो जो मिसिंग है ना वो हम अभी लिख लेंगे. ब्रिंजल हो गया, बैंगन? यस सर वो हो गया. मैं इंग्लिश में बोलता हूं आप चेक करते जाएं. ब्रिंजल, ब्रिंजल, चिल्ली, बिटर गोल्ड, एप्पल गोल्ड, बोटल गोल्ड, पंपकिन, क्यूकंबर, टर्निप, रेडिश, कैरेट. हो गया सर जी. होगी रेड, कॉलीफ्लावर नहीं हुआ,
कॉलीफ्लावर कैबेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ सर, कॉलीफ्लावर नहीं हुआ ना, फूल गोभी नहीं हुआ सर, लिखे आप कॉलीफ्लावर, शिमला मिर्च सर जी, शिमला मिर्च भी नहीं हुआ, शिमला मिर्च, ठीक है वेरी गुड, ये लिखे आप कॉलीफ्लावर है गोभी, ये फूल गोभी जो होती है कॉलीफ्लावर है, फूल सफेद जो फूल होता है ना, बेसिकली ये फूल है, इसे अल्लाह ने देखा अलग नाम सब्जी अल्लाह ने हम इसको बनाया हुआ है, कॉलीफ्लावर है फूल गोभी और कैबेज है बंद गोभी, कैबेज CABBAGE, कैबेज है बंद गोभी और शिमला मिर्च है कैप्सिकम, कैप्सिकम है शिमला मिर्च, कैप्सिकम है शिमला मिर्च, अभी दो सब्जियां अभी दो दो रहती हैं, स्पिनच हो गया, स्पिनच स्पिनच लिख लिया, स्पिनच हुआ था लिख लिया सर, मिंट कोरिएंडर लिख लिया सर, हाँ यस वो भी हो गया सर, सर अच्छा अच्छा ठीक है हो गया सर, काम नहीं हुआ क्रम जी, एक पालक होती है सर और एक क्रम होता है ना दूसरा, ये चिकंदर नहीं, चिकंदर जो खाते हैं ये भी रेडिश है, इसको भी रेडिश कहते हैं, मूली जो होती है ना रेडिश, मैंने कहा था yes, हाँ रेडिश को मूली भी है, चिकंदर इनका टेस्ट एक जैसा होता है, वो सर लाल किस्म का रंग होता है उसका, लेकिन एक टेस्ट दोनों का एक ही है, yes, गार्लिक भी हो गया, जिंजर भी हो गया, गार्लिक जिंजर सर, अरबियां जी, अरबी अरबी सर, अरबी अरबी यस सर, अरबी अरबी होता है वो, यस सर, उसको सीजवान में अरबी कहते हैं, यस सर, अच्छा चलें अब नेम फ्रूट्स कर लेते हैं, वो शुरू करते हैं फ्रूट्स नेम, ओके सर, आपको एप्पल तो पता ही है, लेकिन जरूरत नहीं है AAPLE, यस सर, एप्पल MANGO, मैंगो भी पता है आपको, ओके बनाना सर, बनाना भी पता है आपको कि नहीं पता, खाते हैं इसका, यस सर पता है, बनाना बी ए बनाना सर, ए बनाना, स्पेलिंग देख ले, स्पेलिंग का मतलब अंगूर भी पता है, ये बी ए एन ए एन ए बनाना केला, ये बनाना है, पियर है नाशपाती, पियर है नाशपाती, पियर अस्सलाम वालेकुम जी सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं अभी क्लास से निकल रहा हूँ, किसी काम पे जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये लेके आज ही एक बंदा आ गया, एक दर एक दरख्त है वो काटने के लिए, वो फिर पर्चा करता है, इसलिए उससे पूछना है, या वो काम आप फिर आ जाना वापस, एक जहां बनेगा आपको काम भेज देंगे, कोशिश करना वापस आ जाओ, है वरना काम ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ओके, पियर नाशपाती और ये जो है आपका पाइन एप्पल है अनानास, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल अनानास, पाइन एप्पल, लिख लिया सर, लिख लिया जी, यस सर, आगे चलते हैं, अब यह आयत आपका मालबेरी है शैतूत, मालबेरी, मालबेरी यस, ये है शैतूत है, और फिग कहते हैं अंजीर, FIG फिग अंजीर, फिग है अंजीर, मेलन है खरबूजा, मेलन, मेलन है खरबूजा, वाटर मेलन कहते हैं, वाटर मेलन तरबूज, वाटर मेलन, ये है तरबूज, वाटर मेलन,
ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये, अच्छा ये है शुगर केन है गन्ना, शुगर केन गन्ना, शुगर केन गन्ना, शुगर एस यू जी ए आर, शुगर सी ए एन ई, केन शुगर केन है गन्ना। चलें आगे, चले आगे। जी सर। गावा कहते हैं अमरूद, गावा अमरूद, गावा। और ऑरेंज कहते हैं माल्टा, ऑरेंज है माल्टा। कितने हो गए वर्ड आपके? 13। कोकोनट है नारियल, कोकोनट, चेरी ये फल का नाम है, चेरी कहते हैं इसको, चेरी लाल लाल से होती है, चेरी रेड, चेरी। कितने वर्ड हो गए आपके? हाउ मेनी वर्ड्स? 15 सर। 15 हो गए? यस। ओके, इनको प्रैक्टिस कर ले अभी, या आपने मुझे 3 दफा करके घर में भेजनी है होमवर्क, इसको जरा देख लेते हैं, पूछूंगा आपसे। आपके है ना मेन चीज आपको याद भी हो जाए, प्रोनंसिएशन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। देख लें आप, 2-3 मिनट देख लें, फिर शुरू करते हैं इसको, फिर आगे कुछ चीजें रिवाइज भी करनी है, पिछली वाली काफी जो मामलात हैं बढ़ गए अब। सर सिग्नल का प्रॉब्लम है तो बार बार बंद हो जाता है सर, इधर ये क्लास बार बार ऑफ हो जाती है इस वजह। यस सर, यस सर, मेरी तरफ से। हाँ वो तो नेचुरल, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आप बस रखें इन टच रहें, थोड़ा हो जाता है, ये तो एक ऐसा मसला है, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो आपको जेन्युइन मसला है ना, ठीक है, लेकिन आप कीप इन टच रहें, कोई ऐसा मसला नहीं, थोड़ी बहुत अपडेट रहें, थोड़ी बहुत होती है मसला, ये तो प्रॉब्लम अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अगर इन रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑफलाइन हो जाएंगे क्लासेज आपकी। 24 तक लॉकडाउन है, मैं आपको बता दूंगा ना आपको 23 को, ठीक है ना। ओके, ये मामला थोड़े वो ही भी खत्म हो जाएंगे जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। यस सर, कुछ दिन तो रह गया, 16 तारीख होगी, ये बताइए आपको। अगर एक्सटेंड कर दिया तो फिर तो जाहिर है, अगर हुकूमत ने बढ़ा दिया तो फिर तो ये ऐसे चलती रहेंगी आपकी, अगर जाहिर है उन्होंने
हम खोलेंगे इसको, आप आ जाइएगा सर, बता दूंगा मैं आपको 23 तारीख को। जी हाँ शुरू करें। यस जी आप जो है मुझे, मैं पूछता हूँ आपसे, मुझे बताएगा जवाब, मुझे बताएं अमरूद की क्या इंग्लिश है? अमरूद की सर है गेव। आप बताएं शुएब। गेवा गावा। गावा। आप मुझे बताएं, कोई देख के बता दें, कोई मसले प्रैक्टिस आपको नहीं, खोल लें बेशक बुक आप, कोई मसला नहीं। और टेस्ट में जाहिर सर मैंने जी सर मैंने इंजीर तक लिखा है, उससे आगे सिग्नल चले गए थे सर। क्या कह रहे हैं? बात समझ नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहा है मैंने अंजीर तक लिखा था तो उससे आगे सिग्नल चले गए थे अंजीर तक। कहाँ तक लिखा है? लिखा कौन सा वर्ड था ये? इसने लिखा है सर अंजीर, FIG फिग। हाँ तो बताओ ना आप, शुएब बताओ ना कौन से वर्ड थे, बताओ ना, सुनते वो लिखता जाएगा ना। यस सर, शुएब लिखो आगे। शुएब आवाज आ रही है सर? उसका मसला ही है कुछ मेरे ख्याल से सिग्नल का। मैं आप मुझे शुरू ऐसे आप मुझे बोलो उर्दू में, इंग्लिश में बोलता हूँ ना फिर सब आ जाएगी। आप बोले उर्दू में फिक से आगे अंजीर से आगे बोलो, शुएब उर्दू में, मैं इंग्लिश में बताऊंगा। जी शुएब आप बोले ना, फिक के बाद कौन सा है आगे? अंजीर के बाद कौन सा है लफ्ज? खरबूजा। खरबूजा जी, खरबूजा है मेलन, MELON मेलन। तरबूजा मेलन ना, MELON। और अच्छा वो है तरबूज, अभी तरबूज है, वाटरमेलन, वाटरमेलन। इसमें स्पेस नहीं है, इकट्ठा लिखते हैं इसको वाटरमेलन को। आगे क्या है? गन्ना। गन्ना है शुगर केन, SUGAR और डैश के बाद CANE, शुगर केन गन्ना। नेक्स्ट अमरूद। गावा, GUAVA गावा, GUAVA गावा। आगे माल्टा क्या है? माल्टा ऑरेंज, ORANGE। फिर नारियल, कोकोनट, COCONUT कोकोनट। चेहरी जी क्या है? चेरी, 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 CHERY चेरी। लिखियो जवाब। यस सर, मैंने तो लिखा हुआ था सर, ये उसने नहीं लिखा हुआ था, शुएब ने। शुएब ने, शुएब लिख रहा है क्या सर? उसका सिग्नल का प्रॉब्लम जा रहा है सर। अच्छा अच्छा, उसको ऐसे करना ना, को भेज देना ना, व्हाट्सएप कर देना ना, ठीक है? यस सर। अब मैं अभी सारे वर्ड्स बोलता हूँ आपके सामने, आप सुनते जाएं, शुरू से मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में से बोलूंगा, उर्दू लिखी आपके पास। पहले पहले आपको एप्पल तो पता ही है, एप्पल सेब है, फिर मैं उर्दू ही बोलता हूँ, एप्पल है सेब, मैंगो जो है आम है, मैंगो की स्पेलिंग है MANGO मैंगो, MANGO मैंगो। पियर नाशपाती, PER पियर है, नाशपाती है। और इसके बाद हमारा मालबेरी है शैतूत, MALBERY MALBERY मालबेरी, शैतूत, फिग अंजीर। और इसके बाद हमारे पास है खरबूजा जो मेलन, खरबूजा MELON मेलन। वाटरमेलन है तरबूज, WATER MELON वाटरमेलन तरबूज है। फिर शुगर केन है गन्ना, SUGARCANE डैश के बाद। फिर शुगर केन के बाद हमारे पास है ऑरेंज, माल्टा, ORANGE माल्टा। और चेरी, CHERY चेरी, ये फल का नाम है। कोकोनट, नारियल, COCONUT कोकोनट। कोई मिसिंग तो नहीं हुआ वर्ड? ये ऊपर है तीन, उसमें भी थी वेजिटेबल के भी थे तीन।
थी मेरे जगह नेम है कैप्सिकम जो है शिमला मिर्च CAPSICUM कैप्सिकम शिमला मिर्च कॉलीफ्लावर फूल गोभी CAULIFLOWER और कैबेज या बंद गोभी CABBAGE ओके ये आपके यस सर सर ये शहतूत के मसला है MULBERY क्या चीज कौन सा वर्ड है शहतूत मलबेरी मलबेरी MAL एल फॉर लीगल एल फॉर लोकल MALBERY मलबेरी शहतूत ओके सर मलबेरी MALBERY मलबेरी इसको हमें करना 3 मिनट में करना है इसने आपने ये भेजिएगा होमवर्क उसको भी ज़ाहिर ग्रुप में भेजेगा तो उसको भी मिल जाएगा ना उसको भी अच्छा ये जो है कुछ हम सर प्रैक्टिस कर लेते हैं पिछली चीजों की वो जो हमने पिछले हम कर चुके हैं टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं आप ना मैं एक टेंस बोलूंगा आप उसमें दूसरे में चेंज कीजिएगा मैं कहूंगा ना उसी टाइम चेंज कर प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी ठीक है इसको भी बंद कर देना आप यस सर ये मैं जवाब से पूछता हूँ आई ईट एन एप्पल इसका मतलब क्या है जवाब I eat an apple. क्या सर I मतलब क्या I eat an apple मतलब क्या इसका मैं सेब खाता हूँ मैं सेब खाता हूँ ये टेंस कौन सा है ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको चेंज करो पास्ट इसको चेंज करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेशक लिख लो कोई मसला नहीं है लिख के कर लो I eat an apple आप भी करो बेशक जो कर ले वो बता दे शुएब आप भी करो आई ईट एन एप्पल सर पास्ट कंटिन्यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया आपने एक मिनट सर सर आई ईट एप्पल मैंने सेब खाया आई ईट एन एप्पल आई एट एन एप्पल सेकंड फॉर्म बाजी की वर्ब की मैंने सेब खाया आई एट एन एप्पल ए टी ई आई एट एन एप्पल आई एट एप्पल इसको चेंज करें आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको चेंज करने आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज करने इसको ओके सर नहीं हो रहा I will be eat an apple. Future definite tense hai. I shall eat an apple.
अगर इरादा कच्चा है तो आई शैल ईट एन एप्पल, पक्का है तो आई विल ईट एन एप्पल। अब इसको चेंज करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पहले उर्दू में करके ना फिर हिंदी में किया करें। सर अभी आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस I am eating an apple. जी अब चेंज करें इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आगे I was eating an apple. अब ये आप दार में प्रिपेयर खुद करेंगे। I was eating an apple. eating an apple.